पल्लत पल्लत सवारियों ने चल दिती अन्न जाए संसार सागर ते रखिया बोड़ न जन में ताए जेवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए फल गुण नित सलाइए फल गुण नित जिसनु तिल ना तवाए जिसनु तिल ना तवाए वर पाया हर राय वर पाया हर राय बोलो जी छपुनी वड पागणी छपुनी वड पागणी वर पाया हर राए वर पाया हर राए वर पाया हर पाया वाहेगुरु जी वाहे गुरु हर साहब नू इना प्यार करो इना प्यार मेरा मात पिता हर राया मेरा मात पिता हर राया मेरा मात पिता हर राया
ਸੱਚਾ ਮਹਾਰ ਵਾਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੀਤ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੁਮ ਸੰਗ ਹੀਤ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਘਰ ਰਾਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਹਿਣਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਨਿਮਖ ਨਾ ਜਾਈ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਘਰ ਰਾਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਤੁਮ ਸੰਗ ਰਚੀਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਕੀਆ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾ ਪਾਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਤਾ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਲੱਭਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤਰੰਗ ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਤਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤਰੰਗ ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਹਮ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਇ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਇਆ ਭੈਣਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬ੍ਰਤ ਪਾਲਣ ਲਗਾ ਕਰੀ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਇਆ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਇ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਇ ਹਰ ਰਾਇ ਵਰ ਪਾਇਆ
वर पाया हर राय वर पाया हर राय हर राय वर पाया हर राय वर पाया हर राय हर राय वर पाया हर राय हर राय वर पाया हर राय हर राय सारी संगत साजा तो बिना बोलियो जी वर पाया हर राय वर पाया हर राय हाँ जी वर पाया हर राय वर पाया अरदास करियो जो तुसी गांदे पे हो ये असी गा सकीए आखो सतनाम अंदरों गा सकीए वर पाया हर राय पर कहते भी मैं अपना पति गुरु हर राय साहब चुन लिया है मैं वर पा लिया हूँ तू मेरा पति है तेरे के मेरा दुख सुख है तेरे के मेरी अरदास है मैं वर पा लिया मैं निके जे इशारे दे रहा असी गा सकीए तुसी दिल्ली च प्लाट लिया रजिस्ट्री कराई फिर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए कमेटियां पाइया भी इनू हुण सारी करनी है हुण उहदी सारी करन वेले पहले बंदा नक्शा बनांदा है ते हुण सिर्फ नक्शा बनाण वेले जे तुहाडे मूँह चो ये निकलदा इंजीनियर नूं भी नक्शा वास्तु शास्त्र अनुसार बनाई फिर समझ लो अजे वर नहीं पाया आखो सतनाम फिर वर नहीं पाया फिर वास्तु शास्त्र वर बनया पे दिशा वहम दिशा वहम है वास्तु शास्त्र बारियां इधर रखो रसोई सिलेंडर इधर रखो ऐश दिशा वाल बुआ रखो इस दिशा वाले जनरेटर लाओ ये दिशा वहम है मैं तो क्या भी असी अंदरों गा सकीए वर पाया हर राय कि जिस घर विच पांच बजे बत्तियां जग जांदियां तुसी नवे घर विच उठ पैंदे हो जुड़ जांदे हो उत्थे कोई वाल वेंगा नहीं कर सकदा आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी तुहाडी लड़की वड्डी होई या लड़का वड्डा होया किधरे गल चली रिश्ते दी गल बिल्कुल 90% नेड़े आ गई इधर भी पसंद हो गया उधर भी हुण कद भी वेख लिया परसनैलिटी भी देख ली कारोबार भी वेख लिया होर कई कुछ सारी पढ़ाई लिखाई भी वेख ली लड़का किन्नी पढ़िया लड़की ते अखीर ते जे आ गया टेवा मेल लो आखो सतनाम फिर समझ लो असी आ गा नहीं सकते अजे वर पाया हर राय असी नहीं गा सकते अज कमेटी ने उपराला किया इतों ये लै के जाना कि मेरा वर टेवा नहीं मेरा वर वास्तु शास्त्र नहीं सिख का वर
गुरबाणी है, सिख दा वर नाम, सिख दा वर धन गुरु ग्रंथ साहिब आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। आवाजा मैनू लखनऊ लै गया ते किसे घर चाह पानी सी, असी पांच सात शरीर सोफे ते बैठे ते उधरों होर भी रश कमरे च बड़ा ते उधरों पांच सात शरीर कोई मिलन आए लखनऊ दे, वो एक ने फतेह बुलाई ते मैं जो सोफे ते बैठा कोल कुर्सी खाली वह बह गया। ते कई बार फतेह मिलाने वेले बंदा हाथ मिलांदा ना कि वाहिगुरु जी का खालसा, उन्हें हाथ मिलाता। वो जो उन्हें हाथ मिलाया तो सह सुभा मेरे हाथ नूं मुंदरियां लग गई, इधर भी मुंदरियां सारी उंगलां जी, इधर भी सारी उंगलां जी। चलो किसी ने एक अद्धी पाई वैसे असी सुचमता करके वह भी नहीं पाते, भी फिर उ जंगल पानी जाती उ ताबिया बहना हों, कोई एक अद्धी पाई कोई नहीं। चलो वो जो अठ अठ मुंदरियां तो मेरे हाथ में सारिया लग गई, उन्हें फतेह बुलाई, वो हाथ हूँ छड़ावे फतेह बुला के मैं छड़ा ना हाथ लाड़ वेच, वो छड़ावे मैं छड़ा ना, मैनू कहता हाथ नहीं छड़दे। मैं कहा मुंदरियां बड़िया पाई हैं, समझ तो मैं गया भी अजे वर नहीं चुनिया, अजे नहीं वर चुनिया, जिन्हों का कल आगमन दिहाड़ा आखो सतनाम। मैं कहा मुंदरियां बड़िया पाई हैं, चलो एक अद्धी कहे पा ली, तो उहदे दंदां चों होली जी निकलिया, कहिंदे दूरों ही फतेह बुलाउणी जी, एवें ही हाथ मिलाया आखो सतनाम, दूरों ही बुलाउणी है, एवें ही हाथ मिलाया। तो वैर नहीं किसे ना करना, कोई अजे नहीं वर चुनिया दूजे चक्करां च, कोई प्रेरणा दिओ। दास ने फिर लाड ना कहा, मैं कहा नहीं असीं अपने ही हाँ, मैनू पता है क्यों पाई है, एक मिनट च मैं समझ गया तू अजे एक बार नहीं चुने, तो कोई ये नहीं भी तेरे ना कोई नफरत है कोई तू वो चीज है। पर फिर मैं लाड ना किया, मैं हाथ छड़िया ना, मैं क्या मैनू माड़ा दस सही आ क्यों पाई है कि नहीं आई। उन्हें फिर जरा दो मिनट बोलिया, कहिंदा कारोबार थोड़ा जिहड़ियां जगाण वालियां बैटरियां ना उहदा कारखाना सी उहदा लखनऊ, कहिंदा कारोबार थोड़ा जिहा चार पांच महीने तो मंदा सी, ते मैनूं किसे ने कहा जी तुहाडा किसे सियाणे ने रिजक बन्निया होया है, एडे एडे लफज बणांदे ने सियाणे, पुछो ही कुछ ना आखो सतनाम, तुहाडा किसे ने रिजक बन्निया वी तां तुहाडा काम घट गया। ते कहिंदे फिर मैं इंज मैनूं कोई लै गया, उहने कहा फलाणा नग पाओ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜਕ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਪੈ ਗਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਐ ਨਗ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਕੋਲ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ 5,500 ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਵਾਤੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵਰ ਬੰਨਿਆ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਨਗ ਉਹਦੇ ਵਰ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਭਟਕਣਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾ ਸਕੀਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਅਸਲੀ ਸਤਸੰਗ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਮਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀਏ ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਇੰਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾ ਦੇ, ਕਦੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਨਗ ਨਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਗ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ।
दो चार महीनों बच्ची का रिश्ता भी एडे चंगे घर च मूल मंत्र गुरबाणी की कृपा दे नाल कारोबार भी सारे चले सारा कुछ इत्थे सारा कुछ ये मैं तां माड़े जे हिंट कि हे सच्चे पातशाह असी ये गा सकीए क्योंकि फगण का महीना चढ़िया दो थोड़े दो तीन दिन होए है वो दोवें काम हो रहे फगण का ही ये सलोक है जिहड़ा मैं दास शब्द पढ़ रहा ते आओ एक करी फिर साजां तो बिना कहो कि सतगुरु अज दे सत्संग विच्चों आ मेरी झोली भर के भेजी मैं तैनू अपना पति मन सकां परमेश्वर पति आप जी दी इस हिसाब नाल विक सकां तू मेरा वर है आखो सतनाम पढ़ो जी वर पाया हर वर पाया हर राए वर पाया हर वर राए वर पाया हर राए नौनिद पाई वजी वधाई वाजे अनहद तुरे मैं वर कर पाया कौ नानक मैं वर कर पाया मेरे लाथे जी सगल विसुरे मेरे लाथे जी विसुरे वर पाया हर राए वर पाया हर राए गुरु नानक तुठा मिलया हर राए सुख रैण विहानी सहज सुभाए वर पाया हर राए वर पाया वाहेगुरु 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 एहो जा प्यार करो एक तू सारियां भैणां एक हां हां जी एक तू
एक तो एक हा हा किस ही कोई कोए मांझन मणी एक तो मांझन मणी एक तो वर पाया हर राय वर पाया हर राय हाँ जी वर पाया हर राय वर पाया हर राय वाहेगुरु 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 वर पाया हर राय वर पाया हर राय हर राय वर पाया हर राय वर पाया हर राय वर पाया हर राय हर राय वर पाया हर राय हर राय गज के आखो सतनाम श्री वाहे गुरु जी आज इत्थों वर पा के जाना मैं भी गृहस्थी हाँ बहुते गृहस्थी बैठे हैं जिन्हें वर पाया गुरु हर राय साहब उदे घर कोई दुख आवे सुख आवे उदा कदी दिमाग दा चैनल सियाने वाल नहीं जांदा राशियां वाल नहीं जांदा वास्तु शास्त्र वाल नहीं जांदा टेबियां वाल नहीं जांदा ग्रहां वाल नहीं जांदा मैं की दसां ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਹੈ ਵਰ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੁਣਿਓ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ੋਰਟ ਸ਼ੋਰਟ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਰਿਸਕ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੈ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੇ ਵਰ ਪਾਇਆ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਸਾਥੀ ਸੀ ਨਾ 10-15 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਾ ਤੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਿਓ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਕਿ 2.5 ਲੱਗਾ ਕਿ 1.5 ਲੱਗਾ ਉਸ ਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਸਿੰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਭ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ
वो जो डॉक्टर बाहर आया दो ढाई घंटे बाद ऑपरेशन करके दे जो पूछा भी किवें वो डॉक्टर दे लफज वेखो मैं वो बोली बोल रहा जिहड़ी लिखी वो डॉक्टर कहिंदा भाई रणधीर सिंह जी नूं रणधीर सिंह जी आज पता नहीं ऑपरेशन करते क्या हुआ जो डॉक्टरी में मैंने नहीं सीखा वो भी दिमाग में आई जाए आखो साधना ऑपरेशन करद्या करद्या जिहड़ी अजे मैं विद्या लई नहीं जोड़ी डॉक्टरी जी किन्नियां विद्या होंदियां अलग अलग जिहड़ी मैं विद्या लई नहीं सिखिया ही नहीं वह भी दिमाग च आई जाए ऑपरेशन ठीक हो गया बड़ी कृपा हो गई है जो नहीं सीखा वो भी ते नाल ही भाई रणधीर सिंह हस पे कहिंदे डॉक्टर साहब आ जिहड़े सारे सिंह सुखमनी साहब पढ़ रहे सी जिहड़ी गल तुसीं कही है कि जो तुम नहीं सीखा वह भी दिमाग च आई जाए राह मिली जाए ऑपरेशन करते ही तो फिर उन्होंने प्यार च बोलिया भाई रणधीर सिंह कहिंदे सुखमनी साहब दे सदके डॉक्टर साहब केवल हाथ तुहाडे ऑपरेशन कर रहे सी बुद्धि विच बाजां वाले दे शहीद सिंघां दी बुद्धि उत्ते कृपा शहीद सिंघां दी अपने आप वरत रही सी हा है वर पाया बस जिन्हें वर पाया उहदा चैनल सुखमनी साहब वल जाए जिन्हें वर पाया उहदा चैनल जपजी साहब चपई साहब सहज पाठ वाल जाएगा अज अरदास करो सचिया पातशाह कृपा कर मैं आप जी की गुरबाणी वर चुन लव आखो साधना ये चुन लव मेरे ते कृपा करो उतार चढ़ा जिंदगी च कई गल्लां सुभा ना रलना घर च कई तरह के मसले मन च तार लो भी चैनल इधर खड़ना जपजी साहब सुमनी साहब चपई साहब सहज पाठ गुरमंत्र मूल मंत्र उतार चढ़ा दे सब्जेक्ट मैं कोई होर लेना सी पर हूँ चल इधर पिया पता नहीं क्यों चल पिया आखो सतनाम कई बार बैठा होंगे कोई ना कोई एक मेरी घटना मैं माड़ी जी तुहाडे नाल सांझी करा फिर समाप्ति है दास जिहड़ा अमृतसर विधवा बीबिया का केंद्र है जिथे 2400 बीबिया राशन सारा कंप्यूटर की सिलाई कढ़ाई सारे कोर्स ने फ्री बच्चिया सीख दियाँ मैं उत्थे बैठा जी अपने कमरे जी ते इन्नी क पेटी मेरे के पई हुंदी है पुंजे बैठदा मैं एक सज्जन आया मेरी गल बड़ी अजीब है जिंदगी की उन्हें ना कार्ड ब्याह दा ते डब्बा इंज पेटी ते रखिया ते इंज हाथ जोड़ के ना मैनू कहिंदा इन्नी तरीक नूं ब्याह है कार्ड डब्बा लै लो आना ना आखो सतना मैं पता नहीं मैं क्या मैं गलत सुने है भाई लोग कई कहिंदे जरूर आना जी तुसीं टाइम कढ़ना जी मैं क्या नवा केस आ गया मैनू कार्ड डब्बा रख के कहिंदा जी कार्ड डब्बा लै लो पर आयो ना मैं की कह रहे हो मैं माड़ा जिहा तुहाडे नाल प्यार च दस्सदा चन्न जी नूं छोटा ना ही बोल दिया मैं की कह रहे हो कहिंदे मैं क्या कार्ड डब्बा लै लो मर्यादा पूरी करती आयो ना तुसीं मैं क्या क्यों कहिंदा मैं बड़ा यतन किया मुंडे वालिया नूं मनाण ते उह मीट की रोटी तो टलदे ही नहीं पए कहिंदे मीट की रोटी लैनी है तुसी आओगे उत्थे कहोगे मीट की रोटी तो कहिंदे हफ्ता पहले घर खंड पड़दा भोगे असी तुहाडे वर्गियां नूं उत्थे सद लिया है ते तुसी उदों आ जाणा विआह दे नाल डब्बा कार्ड लै लो आखो सतनाम मैं कह यार नवा केस आ गया भाई डब्बा लै लो आयो ना चलो जिदन हफ्ता पहले भोग सी ना खंड पड़ता दास गया तो जिहड़ा साडा जथा ना लिटल भाजी लिटल वीर जी इत्थे भी कीर्तन करदे दिल्ली उन्हां दा उन्हां ने कीर्तन रखिया सी 50 मिनट हाजरी लाई उन्हें तो मैं फिर भोग लग्या प्यार बहुत सी क्योंकि जिहदे च कोई कमी होवे उन्हूं नफरत ना करो चलो हौली हौली अपने प्यार चेंज करो दोबारा पाओगे कहते कहते ना पा लोगे ये नहीं भी हुण उन्हां दी रोटी ये है तो मैं कहां मैं जाना ही नहीं चलो
चेंज करना प्यार नाल, जिद कोई प्रॉब्लम है उन्होंने गलवकड़ी लोगे तो चेंज होएगा। संगत जी उन्होंने मैंने कहें तुम भी हाजरी भरो, 15 मिनट तुम लाओ लिटर की हाजरी, पहले अस 50 मिनट उन्हें तो 100-125 बंदा बैठा घर के बहर उन्हें तंबू लाया। चलो 10 बजे तो बैठा तो मैं याद है मैं शब्द लिया कीता लोड़ीए काम सो हर पै आखी है भी अरदास करा रहे खंड पाठ करा के भी हफ्ते नूं ब्याह है तो महाराज तो शब्द लाया कीता लोड़ीए काम भी यदा अर्थ हैगा भी मेरा लुड़ींदड़ा काम ये हरी मैं तेनों आख रहा कारज दे सवार सतगुर सच भी सारा निर्विघनता है। वो ये नहीं भी शब्द को होर लिया शब्द वो ही भी कोई नहीं अजय एक चीज़ की प्रॉब्लम है आपे महाराज मेहर करी तो संगत जी 15 मिनट मैं कीर्तन किया 10-12 मिनट रोल तो 2-3 मिनट अखीर के उत्ते ना मैं कीर्तन करद वेख रहा भी प्रोग्राम लड़की वाले घर से तो लड़के के माता पिता आए हुए थे उन्होंने घर भोग एक रिश्तेदार तो समाप्ति से ना मैं इन्ना ही कहता मैं क्या चलो माड़ा जहा फर्ज निभा दी गोल जहा कोई ला के नहीं मैं क्या जी पता लगा मीट की रोटी है आपको सतना मैं क्या पता लगा विआह च मीट की रोटी है ते सख्ती नाल नहीं इन्ना ही क्या मैं क्या संकोच हो सके तो वेख लियो आखो सतना संकोच हो सके तो वेख लियो ये मैं तुहानू ही बेनती करना मेरे नाल सिंह साहब सी एक विआह ते वो कुड़ी मुंडे नूं ना लै सिंह साहब को दरबार साहब के सिंह साहब बड़ी नाम कमाई सिंह साहब इन्हां दे सिर ते हथ रखो सुखी वसण सिंह साहब इन्हां दे सिर ते हथ रखो ते सिंह साहब कहिंदे अपने बच्चों के सिर ते हथ रखांदे हो भी सुखी रहण ते जिहड़ी रोटी विआह दी 100 मुर्गा मारता उन्हां दी जान नहीं आखो सतनाम उन्हां दी जान नहीं बदसीसा वो कितने जाएगी जो सब में एक खुदा एक है तो तौ क्यों मुर्गी मारे 68 तीर्थ है जोड़ा महीना पहले लंघे माघ का वह कभी 12 माह का शलोक पढ़ो तो 68 तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान जिया तो दया प्रवान है आप आस ला सकते हैं भी साढ़े बच्चा बची सुखी रहे जे असी आप उस खुशी दे विच किन्या दी हत्या करती कह दो गज के सतनाम किन्या दी असी बाकी ये बारे पंथ च दो राय ने कोई कहिंदा मांस खाओ कोई कहिंदा ना खाओ पर ना खाण वाला वड्डा जिहड़ा ने अमरीका च प्रचार किया ज्ञानी हरभजन सिंह जोगी जी ने उन्होंने किसी ने कहा सी जी सिख कौम च दो राय ने मांस खाण बारे कोई कहिंदा खाओ कोई कहिंदा ना खाओ तुसी दसो तो उन्होंने तुसी दसो जायज है खाणा उन्हें एक गल कही तुहानू चंगी लगे वेख लियो वो कहिंदे भी जे जायज होवे फिर गुरु रामदास दे लंगर विच भी बने आखो सतनाम जे जायज होवे फिर लंगर च भी बने गुरु रामदास जी दे उत्थे बणिया कदी जो उन्हां दे लंगर च बनना जायज वो खाणा जायज आखो सतनाम ते जे कोई खांदा साडी उहदे नाल भी नफरत नहीं पर रब दी दुनिया विच अपने लई नहीं बणिया मैनू किसी ने कहा सी वी दसो इहदा हुण पता नहीं ये गल भी क्यों छिड़ पई मास वाली कोई ना कोई शायद ना बैठा होवे आखो सतनाम क्योंकि वह सहज सुभाए कथा उही हुंदी वे जदों जो कोई किसी ने वो मेरे पिता जी बैठे आ जो किसी नूं उन्होंने कन्ना च पाणा होवे मैं आप जी नूं इन्नी बेनती करना तुसीं किसी कमेटी की ना मनो किसी की ना मनो किसी टकसाल की किसी मास बारे पिता जी को बह जाओ गुरु ग्रंथ साहब जी को इन्हों पुछो भी खाना चाहिए या नहीं तुहानू गुरु ग्रंथ साहब कहणगे रब कहेगा कि यह सृष्टि मेरी साजी हुई है ये सारी सृष्टि रब कहेगा मेरी साजी है मैं बनाई है मास खाण वाले भी मैं बनाए है ना खाण वाले भी मैं बनाए मैं थोड़े जे ना बोलदा तुसीं वेख्यो शेर मास खांदा बिल्ली खांदी कुत्ता खांदा बघियाड़ खांदा ओके बकरी नहीं खांदी घोड़ा नहीं खांदा गऊ नहीं खांदी मझ नहीं खांदी उन्हें बनाए ना वेखो रब ने बनाए खाण वाले भी ना खाण वाले भी जीव ते तुहानू रब जवाब देगा मेरी सृष्टि सजी है मैं ही पैदा कीते है खाण वाले भी ना तो तुसी कहोगे रब्बा मेरे बारे दस खाना जायज तो रब तुहानू एक गल कहेगा चंगी लगे वेख लियो
ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ, ਬੋਲਿਆ ਦੰਦ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਦੰਦ ਕਿਸੇ ਟਕਸਾਲ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਰੱਬ ਕਹੇਗਾ ਦੰਦ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਆ ਜੀਵ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦੋ ਦੰਦ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿੱਖੇ, ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤਿੱਖੇ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦੋ, ਇਹ ਦੋ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਊ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਗੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਮੱਝ ਦੇ ਗੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਘੋੜੇ ਦੇ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਪ ਹੋਏਗੀ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਓ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੰਦ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਦੰਦ, ਮੱਝ ਦੇ ਦੰਦ, ਗਊ ਦੇ ਦੰਦ, ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵੇਖੋ ਦੂਜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਏਗੀ, ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇਗੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੇਖ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਮੇਲ ਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਗਊ ਦੇ ਦੰਦ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੰਦ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਸੇਮ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੱਝ ਦੇ ਦੰਦ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਦੰਦ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਪ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰੱਬਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰ ਪੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਿਲ ਕਰ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਜਚੀ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੱਖੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੱਬ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰੱਬਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਦੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਦਏਗਾ, ਬੱਚੀਏ ਬੋਲਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰੇ, ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੇਖੋ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵੇਖੋ, ਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾਏਗਾ ਜਵਾਨ ਅੰਦਰ। ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਦੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ 'ਚ, ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ। ਕਦੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲਾਏਗਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਗਊ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਪੀਏਗੀ, ਗਊ ਸਾਹ ਨਾਲ ਪੀਏਗੀ, ਘੋੜਾ ਸਾਹ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਨਾਲ, ਮੱਝ ਸਾਹ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀਂਦਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਲਾ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਦੱਸੋ ਇੰਝ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਲਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ, ਕੁੱਕਰ ਦਾ, ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਰ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ, ਉੱਥੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀ, ਪਿਓ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰੋਟੀ ਇੰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਕੋਚ ਹੋ ਸਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅਜੇ 6 ਦਿਨ ਪਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ 1-2-3 ਫੋਨ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣਿਓ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੀ 15 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੇ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਵੀ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ,
सीधी गल है, सो रुचि होती है इन्हों की, भावें भी सब्जियां बना लो आ रही बनाओगे, साड़ी रिश्तेदार अगे ने विआह किया। संगत जी ए यकीनन सुनियो, हिम्मत ना छड़ो, वर मूल मंत्र चुनो, वर गुर मंत्र। वो लड़की के पिता ने दो दिन रह गए उन्होंने घर कमरा जी गुरु साहब का, जिन्ना क इतना थड़ा ना इतना सुख आसन बनया हो, अगे प्रकाश होंगे। 9 बजे लड़की के पिता ने केसी इनान किया, केसी इनान करके ना सारा नवे सुचे बस्त्र पा के ना जिथे गोलक है ना उत्थे बह गया, चौंकड़ा मार के ते मुख कर लिया सामने, सतगुरु का सुखासन होया सी उन्हां दे घर कमरा गुरु साहब, मेरे को ड्रैस लै सकते हो, तो मूल मंत्र रंभ करता, एक ओंकार तो नानक होशी भी सच जाप रंभ करता, माला लैके गुरु गोबिंद सिंह का ध्यान इसे भावना नाल के सच्चे पातशाह भी मैं ते जोर ला ला थक गया हूँ तू कृपा। संगत जी 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 10-9 तो बैठा, 9-3-12, 7 घंटे चौंकड़ा मार के ना मूल मंत्र ने इतना जी महाराज मेरे दे के, मेरा तो आ वार है मूल मंत्र, मेरा तो आ वार है गुरमंत्र जपजी साहब आ जपी गया। हूँ 4 बजे, 4 बज गए, 5 बज गए, 5 बजे ना खलो के ना अरदास की, अरदास की सच्चे पातशाह सारी करके अरदास भी तुसी मूल मंत्र सेवा ली। तो हूँ जरा अरदास सुने, अरदास की गुरु गोबिंद सिंह जी हूँ मैं चलिया जे फिर इनान कर, सारी रात का बैठे हूँ मैं इनान कर चलिया, इनान करन तो बाद प्रकाश करांगा है ना, प्रकाश करके महाराज मैं चाह पानी पीवांगा। चाह पानी पी के ना गुरु गोबिंद सिंह जी इतना गल्ला करते प्यार वाले, गुरु गोबिंद सिंह जी फिर मैं 9 बजे तक आराम करना जे, तो सच्चे पातशाह मैं 9-9:30 हूँ फोन करना जे लड़के वालियां नूं, ते खीरला फोन जे हूँ मेरे ते भार नहीं तुहाडा, आखो सतनाम, मैं खीरला फोन करना जे भी मीट की रोटी ना लो, तो गुरु गोबिंद सिंह जी मेरी अरदास, 5 बजे अरदास कर, मेरी अरदास है मेरे फोन तो पहला उन्होंने घर तुसी आप पहुँच जाओ, आप हिरदे पर बह जाओ, आखो सतन। हूँ सारी रात का 7-8 घंटे का चौंकड़ा तो अरदास। संगत जी जदों वो नहा के दोबारा फिर प्रकाश किया, तो फिर चाह पानी लैके आराम जो गया, 9 बजे जो उठ के ना फोन मारिया ना लड़के दे पिता नूं, तो उन्होंने को फोन चुकया, फतेह बुलाई, दसो अगो लड़की दे पिता ने यही कहा जी मेरी तो वह बेनती है भी एक करी फिर विचार लो, भी चंगी तो चंगी रोटी लै लो, भी आ ना लो मीट की रोटी। तो वो अगो लड़के का पर पिता पता ही कहता, कहता हफ्ता हो गया इक्को गल ही कही जा रहे हो, आखो सतनाम, कहते हफ्ता हो गया इक्को गल ही कही जा रहे हो। तो अगो लड़के का पिता कहता पता नहीं की गल है, साढ़े घर भी सारी रात एहो विचार होंदी रही भी की करिए की करिए, तो कहते सवेरे 5 बजे असी फैसला लिया जिहड़ी रोटी मर्जी दे दिओ। वो जो उन्होंने कहना सवेरे 5 बजे फैसला लिया, उदियां अखां चथरू आ गए, इधर 9 बजे चौंकड़ा वजा, 5 बजे तक उधर विचार हो रही है किवें करिए किवें करिए, गुरबाणी वर वर उधर कारवाई पाता, इधर 5 बजे अरदास हो रही है, उधर 5 बजे फैसला हो रहा कि जकारा दो प्यार दे, ये प्यार वाले समझ पाएंगे। उधर 5 बजे, उधर 5 बजे फाइनल हो रहा भी जड़ी मर्जी, तो वह अखा जत्थू ना रुकन फोन सुनते हैं, तो जो उन्होंने कहा भी जड़ी मर्जी, तो हूँ सारी जो गल हो गई ना भी गुरु वरत गया, वर वर मूल मंत्र चुन लिया, वर चुन लिया इधर बाणी, तो गल मुकदे मुकदे ना लड़के दे पिता ने पता की क्या कहिंदे, असीं इक होर सलाह की है, वह नाल ही घबरा गया, आखो सतना भी हुण होर पता नहीं की कीती, कहिंदे असीं इक होर सलाह की है, वह को लड़की का पिता कहिंदा जी वह की कहिंदे असीं आ भी सलाह की है भी रोटी जिहड़ी मर्जी दे दिओ, ते दूजी सलाह की है आम बरातां पहले पैलस जांदियां बाद च गुरुद्वारे आके आनंद कारज करदे आ, पैलस 500-500 बंदा हुंदा है, गुरुद्वारे 10-20 सारे पहुँचते हैं, कहते असी आ सलाह की है दोवें परिवारों के सारे रिश्तेदार पहले गुरुद्वारे आने गए, आखो सतनाम,
पहले गुरु की हजूरी जा के आनंद कारज फिर पैलस में रोटी लैन गए। जदों उन्हें इन्नी गल कही ना मन में की आया लड़की के पिता दे के बाजा वालिया इन्ना मेहरबान है। जदों गफ्फा देन ते आवे फिर महाराज कहिंदे लै जिन्ना तू मंगिया होर वधा के देने। ये गल नूं दूजे बने ना खड़े हो, ये मैं पिता जी के चरणों च बह के कह रहा। जदों मैनूं फोन आया ना उहदा कहिंदा भाजी आड़ा जरूर विआह ते हुण नहीं हैगी आखो सतना। अगे मैं कहा सी डब्बा कार्ड लै लो आयो ना ते हुण तुसीं जरूर आना है। मैं कहा अच्छा यार ये किवें सारा उहने दस्सिया वी मूल मंत्र की कृपा हो गई आ वर इहनूं चुणिया। जदों उन्हें मैनू कहा ना आना ये मैं तुहाडे प्यार च बोल रहा मैं तुहानूं परिवार वांग समझदा परमेश्वर समझदा। मैनू कहिंदा जी हुण सौण की ड्यूटी तुहाडी पुरानी ड्यूटी तुहाडी नेड़ता सी फिर वो ड्यूटियां वाकई मैं ड्यूटियां लाइया भी जो जो उन्हें कही ना भी सीधा गुरुद्वारे आना हूँ 400-500 का इकट्ठ हो जाना गुरुद्वारे किवें विछाइए सारा तुम वेखो मैं बाकी रुझेवे हैं। मैं कोई नहीं जरा वड्डा मोर्चा फतेह कर लिया ना तू आखो सतनाम तो आ चीज़ा निकिया ने सारे काम हो जाएंगे। इनू हूँ वो बंदा गा सकता गृहस्थी वेखो दुख सुख आते हैं किसी का कोई सुभाग किसी का कोई किसी रिश्तेदार का किसी का किसी तरह का पर जदों भी कोई इंज ता चढ़ा आवे तो साडा चैनल आ वर चुनिया होवे साडा वर मूल मंत्र है साडा वर गुरमंत्र साडा वर जपजी साहब साडा वर सुखमनी साहब साडा वर सहज पाठ साडा वर चौपाई साहब साडा वर राशियां नहीं ने साडा वर ग्रह नहीं ने साडा वर वास्तु शास्त्र नहीं साडा वर आ टेवे नहीं कह दो गज के सतनाम। अज सारी संगत ये जड़ी कमेटी प्रेम ना प्रोग्राम करा रही अज सारी संगत इतों पक्के होके जाना। हुणे सैकटरी साहब तुहानूं बोल रहे सी कि गुरु हर राय साहब ने किन्ना बाणी का सत्कार किया कि पुत्र नूं मुख तक नहीं लाया जदों उन्हें पंगती पलट दिती मिट्टी बेईमान की कहता आखो सतनाम। तो वह गुरु हर राय साहब किन्ने खुश होणगे तुहाडे ते कि जदों असी भी वर गुरबाणी नूं चुण लांगे असी भी वर सच्चे पातशाह तेरी गुरबाणी नूं चुण लांगे। महाराज तुहाडा मेरा बैठिया समा सफला करे। आओ ये पंक्ति पढ़ियो ते जिन्नी माया दे गए एक एक पैसा विधवा बीबिया के मुख च अन्न दा दाणा दो हस्पताल दो सरावां बाबा दीप सिंह का जन्म स्थान भाई तारू सिंह जी का जन्म स्थान ये सारी कार सेवा वड्डे महान दो शहीदां दे अस्थाना दी पिता जी ने सौंपी है। तो दिल्ली की संगत नूं वधाई है कि अमृतसर विच तुसीं जांदे सो ते प्रॉब्लम बड़ी आती सी भी कमरे नहीं मिलते। हुण जिहड़ा बाबा दीप सिंह दा स्थान है ना चाटी मिंट चौंक उत्थों 1.5 मिंट का राह पैदल है ते तकरीबन 200 AC कमरियां दी सरां तुहाडी अपनी बन रही आखो सतनाम। हुण भावें बसा लै के आ जाया करो तकरीबन हुण पहला लेंटर मैं है 10 दिन तक पै जाना 7-8 महीने विच सारी सरां 200 कमरियां दी ए सारी माया इन्हां कारजां लई वरती जांदी है जी। आओ ए अमृत चैनल है अमृत रस चैनल का भी धन्नवाद जेडे लाइव प्रोग्राम सारा विखा रहे हैं इत्थों दे सैकटरी साहब प्रधान जी खजांची साहब सारी कमेटी जिन्हां दे प्यार सदका तुहाडे दर्शन होए ने इत्थों दे गुरु दे वजीर सेवादार उन्हां दा भी धन्नवाद। गुरु हर राय साहब जी का आगमन दिहाड़े दियां जो कि 12 बजे तो बाद अगला दिन चढ़ जाना बहुत बहुत बधाइयां मुबारकां पढ़ो प्यार ना जी। वर पाया हर राय वर पाया हर राय वर पाया हर राय वर पाया हर राय इछ पुनी वट पागणी इच पुनी वट पागणी इच पुनी वट पागणी इच पुनी
बड पागली वर पाया हरि राए 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 हरि राए वर पाया हरि राए वर पाया हरि राए हर राए वर हर राए बोले सोनिहार सत श्री अकाल सत श्री हाँ वाह हाँ।